एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर में आपको विशेषण के बारे में समझाया था और कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो आप इसके डेफिनेशन को याद कर लीजिए। विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह उपवाक्य होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स और द क्लॉजेस दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है राम बहादुर है, राम इज ब्रेव। जब हम कहते हैं ब्रेव तो हम किसके बारे में कह रहे हैं कि वो बहादुर है? हम राम के बारे में कह रहे हैं, राम की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, राम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं। क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा उसके बारे में कुछ अच्छी बात ही करें। हो सकता है आप कुछ ऐसी बात भी करें जो राम के लिए नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो राम की क्वालिटी है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। राम बहादुर है की जगह मैं कह सकता हूं राम कायर है, कॉवर्ड। तो यहां पर भले ही कॉवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है राम के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि वो राम की क्वालिटी है इसलिए वो भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम कहते हैं ब्रेव तो हम राम के बारे में कह रहे हैं। राम चूंकि एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, ये एक संज्ञा है, तो संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देने वाला वर्ड ब्रेव एक एडजेक्टिव है। ये बात पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी और हम यहां पर थोड़ा दोहरा रहे हैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो सके। देखिए दूसरा एग्जांपल है वह चालाक थी, शी वॉज क्लेवर। चालाक होना किसकी विशेषता है, किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में अतिरिक्त सूचना दी गई है उसके बारे में? वह एक लड़की है। क्योंकि शी एक प्रोनाउन है जो कि हम प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि एक प्रोनाउन है तो इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्लेवर यानी चालाक एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं। मेरे पास कई पेंसिलें हैं, या हम कहें मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं। यहां पर जब आप कई या कुछ, जब ये वर्ड आप यूज करते हैं तो आप पेंसिलों के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। अगर आप कहते हैं कई पेंसिलें हैं तो पता लगता है कि पेंसिलें कई हैं, उनकी मात्रा कई है। और जब आप कहते हैं कुछ पेंसिलें, यानी आपके पास बहुत कम पेंसिलें हैं, कम हैं, कुछ हैं, थोड़ी हैं, तो मैनी एंड फ्यू दीज वर्ड्स गिव यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट पेंसिल्स, सो दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। क्योंकि पेंसिल क्या है, अपने आप में एक नाउन है, संज्ञा है, तो संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना देने वाले ये दोनों वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से एक सेंटेंस लेते हैं, अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है। अब देखिए इस सेंटेंस में अमन मेरा भाई है, उसकी किसी क्वालिटी के बारे में बताया नहीं, लेकिन फिर आगे अगर आप सेंटेंस देखें, जो तुम्हारे साथ खेलता है, हु प्लेज विद यू, ये पूरा का पूरा क्लॉज, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस का पार्ट, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एडजेक्टिव केवल शब्द नहीं होता बल्कि शब्दों के समूह भी हो सकते हैं जो किसी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। यहां पर जब मैं कहता हूं जो तुम्हारे साथ खेलता है तो किसके बारे में बताता हूं मैं, अमन के बारे में मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हाँ अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है, वही लड़का जो तुम्हारे साथ खेलता है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वो राम है जो मुझसे बड़ा है। मैंने बताया वो राम है जो मुझसे बड़ा है, तो जब मैं कहता हूं जो मुझसे बड़ा है तो मैं किसके बारे में कह रहा हूं, राम के बारे में कह रहा हूं, उसके बारे में कह रहा हूं, ही इज राम, ही वो कौन है, वो राम है वो, लेकिन ही अपने आप में क्या है, एक
प्रोनाउन है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज जो मुझसे बड़ा है, ये क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज है। मैंने लिखा है हु इज ओल्डर और एल्डर देन आई। ओल्डर और एल्डर क्यों लिखा है? देखिए, अगर वो मेरा सगा भाई है तो वो मेरा एल्डर ब्रदर है, एल्डर है वो मुझसे। अगर वो कोई मान लीजिए मेरा दोस्त है जिसकी उम्र मुझसे ज्यादा है तो वो मेरे से मेरा एल्डर नहीं है, वो मुझसे ओल्डर है। ये कॉन्सेप्ट आपको एडजेक्टिव्स में पढ़ने को मिलेगा आगे वीडियो लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, इनकी तीन डिग्रीज होती हैं। एक तो नॉर्मल डिग्री है, जो वर्ड्स हैं वो नॉर्मल डिग्री में आते हैं। उसके बाद दो डिग्रीज हैं, एक है कंपैरेटिव डिग्री और एक है सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ईआर और ईएसटी का, और एक नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में बनाएंगे। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, देखिए टॉल, टॉल मतलब लंबा, किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए यूज किया जा सकता है ये वर्ड। जैसे हम कह सकते हैं राम इज टॉल, किसके बारे में बता रहे हैं? राम के बारे में। राम की विशेषता है कि राम लंबा है, तो ये जो वर्ड है टॉल, ये एक एडजेक्टिव है। टॉल की दो डिग्रीज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ईआर लगा दीजिए तो कंपैरेटिव बन जाती है, ईएसटी लगा लीजिए तो सुपरलेटिव बन जाती है। अधिकतर वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ईआर लगा देने पे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री मतलब जहां पर कंपेयर किया जाए। जैसे मैं कहूं कि राम श्याम से लंबा है, राम इज टॉलर देन श्याम, वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में जब हम कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा, जैसे मैं कहूं कि राम सबसे लंबा है, राम इज द टॉलेस्ट, ये बात आगे आप धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल यहां जान लीजिए कुछ ऐसे वर्ड्स आपके सामने हम एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, जैसे शॉर्ट, शॉर्ट का कंपैरेटिव डिग्री है शॉर्टर, सुपरलेटिव डिग्री है शॉर्टेस्ट। इसी तरह से बिग, स्मॉल, ग्रेट, लेंथी, लॉन्ग, वाइड, हाई, डीप, ये सभी वर्ड्स जो आपके सामने आपकी स्लाइड में हैं, ये सभी ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिनमें अगर आप ईआर लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज होगा, अगर आप ईएसटी लगा देंगे तो उन्हें आप सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे बिग, बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, लेंथी लेंथियर लेंथियस्ट, ये वर्ड्स अक्सर हमने पढ़े हैं पर कई वर्ड्स हमें नहीं भी पता होते। कई बार हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि ईआर और ईएसटी लगाते क्यों हैं, यही नहीं पता होता कई बार कि ये वर्ड है क्या। लेकिन आज आपको ये पता है कि ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज किए जा रहे हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। यंग, यंग मतलब उम्र में छोटा, ओल्ड उम्र में बड़ा। अगर कोई आपसे उम्र में छोटा है तो आप कह सकते हैं वो छोटा है, ही इज यंग। वो मुझसे छोटा है, ही इज यंगर देन मी। वो सबसे छोटा है, ही इज द यंगेस्ट। अगर वो उम्र में बड़ा है तो आप ओल्ड, ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन यदि वो व्यक्ति आपके रिलेशन में है, जैसे आपका भाई बड़ा है या छोटा है, छोटे के लिए तो आप यंग ही यूज करेंगे, लेकिन बड़े के केस में अगर ब्लड रिलेशन में है तो आप एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं। जैसे आपके बड़े भाई हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल्स कुछ देता हूं, आप एग्जांपल्स के माध्यम से इसे बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, अमन मुझसे छोटा है, अमन मेरा भाई हो चाहे अमन मेरा कोई दोस्त हो, अगर मुझसे छोटा है तो यंग का ही यूज करूंगा, यंग। अमन इज यंगर टू मी। मैंने यंगर क्यों कहा? यंगर इसलिए कहा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा, यहां पर कंपेयर हो रहा है, उम्र का कंपैरिजन किया जा रहा है। एक बात और आप जान लीजिए इंपॉर्टेंट,
अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपके सामने यंगर वर्ड का यूज किया था, उस समय मैंने आपको ये नहीं बताया कि यंगर के